सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे IOC और साथ ही यहां पर बात होगी एक ऐसे शेयर के बारे में जिसकी ओर से 750% तक का यहां पर डिविडेंड अनाउंस किया गया है। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल द महाजन ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइज, यहाँ पर IOC में अगर देखें तो बिल्कुल यहाँ पे डिविडेंड की बात भी हम करेंगे, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक बड़ी न्यूज़ यहाँ पर आ रही है। US बेस्ड कंपनी के साथ इन्होंने एक बड़ी डील साइन कर ली है, तो उसे भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कहाँ पे IOC ने क्लोजिंग दी। तो बिल्कुल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लास्ट ट्रेडिंग सीजन 77.25 रुपीज़ के अराउंड यहाँ पर दी है क्लोजिंग। 0.75 रुपीज़ के अराउंड अगर आप देखते हो तो शेयर में गिरावट भी हमें नज़र आती है। 0.96% के बेसिस पे ए शेयर यहाँ पर गिरा है। बात करें न्यूज़ की तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन ऑयल एंड US बेस्ड लेंजा जेट टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एविएशन फ्यूल फर्म। सो गाइज, यहाँ पर अगर देखें तो इंडियन ऑयल और US बेस्ड एक कंपनी है लेंजा जेट, ये दोनों मिलकर एक बिल्कुल यहाँ पर अगर देखा जाएगा एक फर्म यहाँ पे सेट करेंगे, सेटअप करेंगे इंडिया में। और यहाँ पर ये फर्म कौन सा होने वाला है तो ये ग्रीन एविएशन फ्यूल, यानी यहाँ पर अगर आपको पता ही है जो जेट होते हैं उनमें जो फ्यूल यूज़ किया जाता है जिसे ग्रीन एविएशन फ्यूल कहा जाता है, तो उसे यहाँ पर उसे बनाने का प्लांट यहाँ पर बनाने वाले हैं IOC और लेंजा जेट मिलके। तो यहाँ पर पूरी न्यूज़ सामने है आपके, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इज प्लानिंग टू सेट अप अ जॉइंट वेंचर्स विथ US बेस्ड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लेंजा जेट INC एंड मल्टीपल डोमेस्टिक एयरलाइंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो गाइज, यहाँ पर अगर देखें तो बिल्कुल सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जिसे SAF इसका शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पर अगर देखें तो बिल्कुल इसके लिए ये प्लांट सेट करने वाले हैं। द प्रपोज्ड वेंचर्स विल सेट अप विद अ प्लांट टू मेक SAF विथ एल्कोहल टू जेट टेक्नोलॉजी एट द स्टेट रन कंपनीज पानीपत रिफाइनरी इन हरियाणा। तो गाइज, यहाँ पर जो ये प्लांट जो फर्म डलेगा वो पानीपत हरियाणा में डलेगा, और इसकी जो कॉस्ट होंगी, जो इसकी लागत होने वाली है वो काफ़ी तगड़ी है। लगभग 3000 करोड़ के अमाउंट अराउंड यहाँ पर जो खर्चा इसमें आने वाला है। तो गाइज, बिल्कुल यहाँ पर अगर देखें US से काफ़ी बड़ी डील यहाँ पर हम कह सकते हैं IOC की, और इसकी मदद से ये और आगे कंटिन्यू अपनी बढ़त कर सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और शेयर की अगर बात करें तो पिछले कुछ टाइम से एक गिर भी रहा है। यहाँ पर आप अगर देखते हो तो लास्ट 5 डेज़ में ये शेयर 15 पैसे तक गिरा है। काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिले, आप देख सकते हो एक रेंज इसने क्रिएट की थी, इस रेंज को भी इसने ऊपर की ओर ब्रेक करने की कोशिश की बट ब्रेकआउट फेल हुआ और सीधा ये नीचे की ओर आ गया। तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर देखी हमने, और वही 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर गिरावट नज़र आती है। 1 मंथ में 2.65 रुपीज़ के अराउंड तक की आप देख सकते हो गाइस एक गिरावट यहाँ पर नज़र आ रही है 3.32% के बेसिस पे। और वही अगर देखा जाए तो लास्ट 6 मंथ में भी 11.20 रुपीज़ के अराउंड यहाँ पर बढ़त रही है। यहाँ ज़्यादा बढ़त रहनी चाहिए, वहाँ बिल्कुल कम बढ़त देखने को हमें मिल रही है। 16.96% के बेसिस पे यहाँ पर ग्रोथ है, और ट्रेड लाइन अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ और उसके बाद अगर मैं ट्रेड लाइन यहाँ पर बनाऊँ तो बिल्कुल यहाँ पर कहीं ना कहीं लेवल्स भी ब्रेक हो रहे हैं, जो एक नेगेटिव चीज़ नज़र आ रही है। तो शेयर यहाँ पर भले ही अपसाइड डाउन मोमेंटम कर रहा हो बट कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें हम और यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स के आंकड़े भी हम देख लेते हैं। जो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स के आंकड़े हैं उनमें आप देखोगे तो 68 यहाँ पर सॉरी गाइस, जो वॉल्यूम यहाँ पर नज़र आ रहा है उसे देख लेते हैं, फिर कम्युनिटी सेंटिमेंट्स के आंकड़े देखते हैं। 68 लाख के अराउंड की डिलीवरीज इस पर्टिकुलर शेयर में यहाँ पर उठाई गई। बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हो 68 लाख के अराउंड की डिलीवरीज, यहाँ पर हाई वॉल्यूम के साथ शेयर्स को बाय किया जा रहा है, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पर जो कॉम्बिनेंट डिलीवरी है वो यहाँ पर दिखता है हमें,
36 लाख के अराउंड का एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर एस्टरडे की बात कर लूँ तो 46 लाख के अराउंड यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर एस्टरडे की बात करें 26 लाख के अराउंड यहाँ पर आप देख सकते हो गैस। एस्टरडे की बात करो यानी जो लास्ट ट्रेडिंग सीजन है उससे एक दिन पहले, तो हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बाइंग हो रही है। तो जो कम्युनिटी सेंटीमेंट्स के आंकड़े हैं यहाँ पर 67% लोग हैं जो बाय करने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं, 33% लोग हैं जो यहाँ पर इसमें सेल करने के लिए भी कहा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें बाइंग के लिए भी कहा जा रहा है, यहाँ पर सेलिंग के लिए भी कहा जा रहा है, तो यहाँ पर लेवल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव भी है कई लोग। और डिविडेंड की बात करें कि IOC में हमें डिविडेंड मिलेगा, सो गाइस यहाँ पर जो डिविडेंड है हमें मिल सकता था यहाँ पर फरवरी और मार्च के महीने में, क्योंकि 2021 में भी यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस 2021 के मार्च में डिविडेंड मिला है, 2022 के फरवरी में डिविडेंड मिला है। तो यहाँ पर हाईली चांसेस थे कि अभी हमें डिविडेंड मिले क्योंकि कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर डिविडेंड दिया है, तो अभी हाईली चांसेस है कि डिविडेंड मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर अगर देखिए क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स अनाउंस हो गए तो इसमें अगर डिविडेंड का अनाउंस होता है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि अगस्त के मंथ के अराउंड यहाँ पर मिले, नहीं तो मई जून के अराउंड को यहाँ पर डिविडेंड मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर लेवल्स भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल हम यहाँ पर एक एसेंडल टाइप ट्रायंगल क्रिएट हुआ था, ऊपर से हमने कुछ लेवल्स भी डिस्कस किए थे। इन लेवल्स में आप देखोगे तो यहाँ पर रिजेक्शंस भी हमें देखने को मिल रहे हैं, नीचे से आप देख सकते हो सपोर्ट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एसेंडल टाइप ट्रायंगल जब भी बनता है तो इसे एक बुलिश ट्रायंगल कहा जाता है, बट यहाँ पर आप देखोगे अपसाइड डाउन मोमेंटम है और यहाँ से मिला एक ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद ये शेयर सीधा नीचे की ओर आ रहा है और यहाँ से एक फॉल भी बता सकता है। तो बट यहाँ पर अगर देखें कहीं ना कहीं इसने सपोर्ट लिया इस पर्टिकुलर रेडलाइन पे, 77 के अराउंड सपोर्ट इसने लिया, एक रेंज यहाँ पर इसने क्रिएट कर दी, क्योंकि यह इस रेंज में कई बार सपोर्ट अपसाइड डाउन मोमेंटम हुए हैं, तो हो सकता है यह सीधे 78 के अराउंड जाए या फिर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो एक फॉल भी यहाँ पर आ सकता है, और 76 के अराउंड ये शेयर फिर से यहाँ पर एक गिरावट भी बता सकता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, और बड़े टाइम फ्रेम पर तो लेवल्स अभी भी आप देख सकते हो एक फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आए। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लाइन बनाऊँ, यहाँ पर ट्रेड लाइन बनाओ तो हम वेट कर सकते हैं कि क्या होता है आगे, देखना होगा। तो गाइस यहाँ पर IOC की बात हमने कर ली है, इसके डिविडेंड की बात हमने कर ली है, अब बात करते हैं एक ऐसे शेयर की जो यहाँ पर डिविडेंड दे रहा है। सो कंपनी का नाम यहाँ पर है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। सो नेस्ले इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर फूड कंपनी है, 19,465 रुपीज़ के अराउंड क्लोजिंग रही है, 25 रुपये का ये शेयर है। और वही अगर आप देखोगे तो कंपनी की ओर से 75 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड यहाँ पर अनाउंस किया गया है। इसे अगर परसेंटेज में हम देखें तो 750% के बेसिस पे यहाँ पर डिविडेंड का अनाउंसमेंट है। फाइनल डिविडेंड है 21 अप्रैल 2023 से पहले अगर आप बाय करोगे तो आपको बिल्कुल यहाँ पर डिविडेंड का फ़ायदा होने वाला है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन शेयर्स का एनालिसिस कर लेना है। थैंक यू।